इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव लोदबा की रहने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी बेटी सोमी देवी, जिसका साथ किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनी ने करार दिया हो, जिसने हर खेल में मेडलों का गर तांता लगाया हो। वो खिलाड़ी आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, लेकिन उसका जज्बा देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करने में है। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव लोदबा की रहने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी बेटी सोमा देवी, जिसके साथ किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनी ने करार किया हो, जिसने हर खेल में मेडलों का घर तांता लगाया हो। वो खिलाड़ी आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, लेकिन उसका जज्बा देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करना है। सोमी देवी से बात की तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। सोमी देवी खुद दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी पढ़ाई और खेलों का खर्च उठा रही हैं। आम खेलों में आर्थिक स्थिति आड़े आ जाने के कारण सोमी देवी ने प्रोफेशनल खेलों की तरफ अपना रुख किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए इन खेलों के प्रति बड़ी मेहनत से जुनून पैदा किया। सोमी देवी अपना कुछ हद तक खर्चा दंगल और मैराथन दौड़ जीतकर भी चलाती हैं। कॉलेज तक जाने के लिए पैसे तक नहीं है, फिर भी पढ़ाई का जज्बा बरकरार है और नूरपुर कॉलेज में पढ़ने को जाती हैं। आपको बता दें कि परिवार के पास सिर ढकने के लिए एक सही आशियाना भी नहीं है। जर्जर हालत में कच्चा मकान है, अपने पास अपनी कोई जगह भी नहीं है। उनके पिता भीम बहादुर का कहना है कि वे 40 साल से हिमाचल में रह रहे हैं, लेकिन पैसा न होने के कारण एक फुट जगह भी नहीं है। हो गया 35 साल हो गया। काम कार क्या करते हो? काम कार कुछ भी नहीं, कभी कभी पहले ढेरी लगा देते, ढेरी मजबूर करते थे, कमाते थे थोड़ा बहुत। अभी जब बीमार हो गया, बीमार से कमा नहीं सकता, बिल्ले रहता है। अच्छा, तो जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बड़े का बच्चे का पढ़ाई लिखाई, उन लोग का खुशी है, जाना पढ़ने मिलेगा था, खेल में जाने मिलेगा। आपको मुश्किलें आती होंगी फिर? हाँ जी, क्योंकि मेरे को खर्चा कम है, क्या करना, खर्चे में मुश्किलें है, क्या करना, बगाने जीने में बैठे है, तंग हो रहे हैं। अच्छा, तो ये खर्चा कैसे उठाते हो आप? क्या काम करते हो? क्या करना, उठाना पड़ेगा। तो जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी मुश्किलें आ जाती होंगी ना? आप ये दे सकते हो? ये बॉक्सिंग में बिना जो बीमार पिता की नम आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। सोमी देवी की चार बहनें और तीन भाई हैं। सभी बहनें स्कूल पढ़ रही हैं और उनका खर्च वो छुट्टी वाले दिन मजदूरी करके करती हैं। जिन योजनाओं का सरकार बहुत जोरों शोरों से प्रचार और प्रसार करती है, ऐसी कोई भी सुविधा परिवार के पास नहीं है। ना तो परिवार के पास ढंग का शौचालय है, ना उज्ज्वल योजना वाला गैस कनेक्शन, यहाँ तक कि स्वच्छ पीने के जल के लिए भी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। सोमी देवी का इसी साल अंत में वर्ल्ड क्वालिफायर चैंपियनशिप होना है, लेकिन जहाँ अमीर खिलाड़ी अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये गरीब परिवार चावल का लेगड़ू खाने तक माकूल है। इस हालत में कैसे होगा देश और प्रदेश का नाम रोशन? मैं देना चाहती हूँ स्पोर्ट्स के लिए, मतलब खेलना चाहती हूँ, जो मतलब कि मैं बस स्पोर्ट्स में ही है जो भी है मेरा। अच्छा, मेरा जो मतलब मेरा जो भी, लेकिन उसके लिए जो महंगी महंगी जो लेना पड़ता है सामान या कुछ, उसके वगैरह में आप कैसे कर पाते हो? ऐसे ही अपने देसी? हाँ, वो कभी मैं कभी बाहर में कर लेती हूँ, डैडी वगैरह जब छुट्टियाँ पड़ जाती है। अच्छा, तो फिर मम्मा करती है नरेगा में। अच्छा, बस वो उसमें अरेंज कर लेती हूँ, और मेरे कोच सारा वो करते हैं थोड़ा। किसी ने आपको कोई सामानी तराशी दी कोई? हाँ, मेरे क्या बोलते हैं पंचायत में किसी ने नहीं किया मेरे को सम्मानित, मेरे को बाहर वालों ने किया मेरे को सम्मानित, मैं ये बोलना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ किया आपको? आप नूरपुर में किया मेरे को सम्मानित। कोई राशि मिली आपको कोई कुछ? हाँ, मेरे को दी राशि, मेरे को क्या बोलते हैं एमएलए साहब ने दी, उनके कंडवाल के राकेश पठानिया ने। हाँ जी। और बीच में आया दो तीन, उनको पता नहीं है, नेम नहीं मालूम मेरे को, सर का पता है। अच्छा, क्या दिया आपको? अमाउंट दिया है। कितना? 2100। अच्छा, और बीच में अलग अलग देश। तो जी, आपका घर है, आपको काफी परेशानी आती होगी, कोई खेलने के लिए कोई प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई के लिए कोई खर्चे के लिए परेशानी आती होगी, तो आप खुद मजदूरी करके उसको करते हो? हाँ, मैं अपना खुद अरेंज करती हूँ। अच्छा, खुद करते हो? हाँ। कितने भाई बहन हो आप? तीन भाई है, चार बहन है। अच्छा, तो जो भाई है वो अपने अलग अलग अपने अलग करते हैं, अपने मतलब क्या बोलते हैं अपनी फैमिली संभालते हैं वो। अच्छा, तो
एक एक तो पढ़ता है। अच्छा, तो हम चार स्टडी जी। आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। हाँ जी, इनके भी आईज में प्रॉब्लम है। जब ये काम करते हैं, इनके क्या बोलते हैं उसको, स्वेट आते हैं, तो उसके कारण उनके आईज में प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण कितने मेडल जीते हैं आपने? मेडल तो काफी है। अच्छा, जुडो है, पर मेरे एमएमए के 2 है। मैं दिल्ली में खेल के आई हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं उसमें वहाँ पे। और अब मैं पुणे खेल के आई हूँ, इसमें रनर अप सिल्वर मेडल है। अब आगे जाना है, आगे के लिए बेंगलुरु है शायद। अच्छा, उसके लिए तैयारी। तो उसके लिए जो खर्चा आएगा वो कौन उठा रहा है आपका? मैं वो खुद अरेंज कर रही हूँ, और सर करते हैं थोड़े मेरे। तो वो खुद अरेंज कैसे करोगी आप इतनी ज्यादा? कितना अमाउंट लगेगा उसमें? अमाउंट तो पता नहीं, अभी काफी लगेगा, पता नहीं क्या, देखते हैं, खुद करेंगे अरेंज। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई अभी? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है सर। आप किस विधानसभा से आते हो, इंदौरा से या नूरपुर से? मैं इंदौरा से हूँ, पर इंदौरा वाले ने मेरे को कुछ नहीं दिया, अभी नूरपुर वाले ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। अच्छा, मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए वो मतलब कि वो सब कुछ कर रहे हैं जितना उनसे होता है, पर अपने इंदौरा वाले ने कुछ नहीं दिया मेरे को अभी। अच्छा जी, इनकी हालत देख लो आप, ये सोमी देवी का घर है, आप देख सकते हो घर की हालत। और ये लड़की दिन रात मेहनत करके जो मेडल ला रही है, तो मैं तो सरकार से यही चाहूंगा कि इनकी सुनवाई हो, और इनको जहां तक हो सरकारी सुविधाएं मिलें। आप क्या कहना चाहते हो सरकार से अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही हूँ, बस आप मेरी हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए, मैं बहुत दूर तक जाऊंगी, और मैं जाना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए। और जो आपकी बहनें हैं दो, क्या नाम है उनका? मेरी सिस्टर है आरती और सुनीता, वो भी मेडल लेके आई हैं। वो इस बार स्कूल पे मेडल ले निकाला उन लोगों ने, एक ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल निकाला है, और एक ने जुडो में निकाला है वो गोल्ड मेडल, बाकी में उनका सिल्वर है, कुश्ती में सिल्वर है उसका, और उसका कुमारी का भी सिल्वर है, दोनों सिस्टर का। अच्छा, मैं सुमी देवी के पिताजी हो जी। कब से हो यहाँ पे आप? सोमी देवी की बहनें आरती, सुनीता और शकुंतला भी खिलाड़ी हैं और जिला स्तरीय खेलों में गोल्ड लेकर आई हैं। लेकिन उनकी बहनों का कहना है कि मेडलों से पेट नहीं भरता, उसके लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है और लोग बस बाह-बाही ही देते हैं। सोमी देवी का कहना है कि वो इंदौरा विधानसभा से आती हैं, लेकिन उनको किसी ने सम्मानित नहीं किया और ना ही हमारी पारिवारिक स्थिति को जानना बेहतर समझा। सोमी देवी का कहना है कि हम सभी बहनें देश प्रदेश का नाम ऊंचा करना चाहती हैं, पर गरीबी हमारी पढ़ाई और खेल के बीच रोड़ा बन रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।